फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 29 जुलाई की कृष्ण अर्जुन कथा की एपिसोड के बारे में। तो आइए जानते हैं। आखिर अर्जुन और द्रौपदी की साक्षात हो गई राम मंदिर में। फिर दोनों मिलकर पूजा किए। पूजा के बाद आपका इच्छा भगवान को बोलिए। तब द्रौपदी बोलते हैं, मैं तो अपनी स्वयंवर में ऐसी बौर पाऊँ जो मेरे मन को छुए। तब द्रौपदी लास्ट में अर्जुन को अपनी सांगवर में आने के लिए निमंत्रित करते हैं। दूसरी तरफ घर जाने के समय अर्जुन बोलते हैं, हम सबको द्रौपदी की सांगवर में जाना चाहिए और धनुर्विद्या की परिचय देना चाहिए। तब युधिष्ठिर साफ सब मना कर देते हैं। उधर भीम रास्ते में पड़े हुए पत्थर को गुस्से में उठाकर फेंक देते हैं एक मटके वाले के वैन में। वही मटके वाले कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। तब वो पांडवों को बोले, अगर आप मन से सत्य हो तो मेरे ये ऋण चुकाना। तब अर्जुन भीम बोलते हैं युधिष्ठिर को, कुमार के ऋण चुकाने के लिए हम लोगों को स्वयंवर जाना चाहिए। दूसरी तरफ द्रौपदी कृष्ण जी को कहते हैं, स्वयंवर में आने वाले राजाओं को मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पिता के लिए मुझे वही राजाओं में से एक को चुनना होगा। तब कृष्ण जी कहते हैं, जो अपनी मन चाहे वही करना द्रौपदी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का यानी कि 29 जुलाई की कृष्ण अर्जुन गाथा की एपिसोड। तो आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। टीवी सीरियल की नई नई अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू।